वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, एक बड़ी इंटरस्टिंग एग्जाम्पल आप जी दे नाल गुरु ग्रंथ साहब दे विचों शेयर करन लगे हाँ। भगत कबीर साहब जी का एक शब्द है कि क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, शरीर रूपी किले नू जित्या किवें जाए, दोवर कोट अर तेवर खाई, पांच पच्ची समोह मद मतसर आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचै कहाँ क्रूर गुराया, काम किवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबट दुंदर तह मनमा वासी राजा, स्वाद सनहा टोप ममता को कुबुद्ध कमान चढ़ाई, तिशना तीर रहे घट पीतर इं गढ़ लियो न जाई। इतों तक भगत कबीर साहब जी ने मनुखी जिंदगी दे अंदर जिहड़ा माया दा प्रभाव है ना, उस नूं एक किले दे रूप विच कि उत्थे गेट कीपर कौन है, फौज उधर केड़ी केड़ी है, माया कोल केड़ियां केड़ियां ताकतां ने, प्रधान कौन है, तो उन सारयां दी गल कीती है, तृष्णा दी, स्वादां दी, मोह दी, काम दी, ये सारी एक फौज एक पासे है, जीव वास्ते ये एक चैलेंज है। तो भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने एक पासे ये माया दी इतनी वड्डी फौज है जिहड़ी मेरी शरीर रूपी किले ते कब्जा करके बैठी है, जे इधर इन्नी ताकत वालियां चीज़ां ने ते मेरे कोल भी एक फौज है, मेरे कोल भी एक ताकत है गुरु की दित्ती हुई, वो की है, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। हुण ये जो मेरे कोल सामने चीज़ां पईयां ने इहदे विच असीं देखांगे पलीता की है ते हवाई की है ते गोला की है। पहली गल, इहनूं गोला ज्ञान चलाया नूं गोला नहीं पढ़ना, क्योंकि गोला का अर्थ हुंदा गुलाम, मां लाली प्यो लाला मेरा हों लाले का जाया, तो उन्दे विच गोले दा जिक्र सतगुरु जी ने कीता है गुलाम। इहनूं पढ़ना गोला, गोला दा मतलब हुंदा बंब। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, हुण पलीता जिहड़ा हुंदा उह की है, मसाले दे नाल लग्या होया धागा हुंदा, असीं देखदे हां जदों ये पटाके असीं चलाउणे हुंदे आ ना, ते इह जिहड़ा धागा है इहनूं अग लाई जांदी है, इहदे उत्ते मसाला लग्या हुंदा, इहनूं अग पकड़दी है। तो भगत कबीर साहब जी ने इहनूं कहा पलीता, प्रेम दा मेरे कोले पलीता है माया दा मुकाबला करन वास्ते। सुरत हवाई, ये है जी हवाई, रॉकेट कह देंदे आ, मिजाइलां जिहड़ियां उत्ते उड़दियां वड्डियां वड्डियां छोटियां, तो इहदे वी पलीता लग्या हुंदा इस पासे जिथे अग लाई जांदी है, अग पकड़दी है ते उपर नूं जा के फिर इहदे विच्चों पटाका वी जिहड़ा उह चलदा है। तो इहनूं भगत कबीर साहब जी ने कहा हवाई, प्रेम दा पलीता हो गया, सुरत दी हवाई हो गई, भाव जिवें उच्चा चढ़दी है उसे तरह मेरी जिहड़ी सुरत है ना हुण उच्ची सुरत हो गई, मेरी माया दे प्रभाव तों इह बच गई, चढ़दी कला विच चली गई मेरी सुरत, सुरत हवाई। उस तों बाद है गोला ज्ञान चलाया, ये देखो ये गोले ही ने, छोटे बंब होंदे आ वड्डे, ये भी गोले ही ने बंब, ते मेरे कोले ज्ञान दा गोला है, गुरु दा ज्ञान जिहड़ा दित्ता होया वो मेरे वास्ते गोले दा काम करदा, ये देखो ये भी गोला ही है बंब। तो प्रेम पलीता सुरत हवाई, ये हवाई है, गोला ज्ञान चलाया, इहदे विच्चों जिहड़ी अग निकलदी है ब्रह्म अगन सहजे प्रजाली एक है चोट सजाया, उस पासे माया दियां भावें लखां ताकतां होण पर इत्थे परमेश्वर दे नाम दी इक्को ही ताकत चाहीदी है, ब्रह्म अगन सहजे प्रजाली एक है चोट सिझाया, इक्को ही चोट काफ़ी है जिहड़ी कामयाब बना दिंदी है बंदे। सत संतोख लै लरने लागा तोरे दोए दरवाजा, वह जिहड़े दरवाजे ने वह भी तोड़ते, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा, गढ़ को राजा जिहड़ा मन सी वह काबू आ गया, भगवत भीर शक्त सिमरन की कटी काल पैफासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ उपर राज लियो अविनाशी। हुण भगत कबीर साहब जी ने वह जिहड़ी अविनाशी बादशाहत है ना अपने हिरदे की, उन्दे मालक वह आप बन गए ने, तो उत्थे परमेश्वर दे नाम का जिहड़ा झंडा उन्होंने गढ़ दिता अपने अंदर, पर उन्दे वास्ते जिहड़ी ताकत चाहीदी सी ओह इही है कि प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया। तो एक ते दो पासयां दे जिहड़ा जंग है वह भगत कबीर साहब जी ने इहनां दी उदाहरण लैके साडे सामने पेश कीता है। तो एक प्रमाण गुरबाणी च असीं होर पढ़दे हाँ कि कहो
ਕਬੀਰ ਜਿਨ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ ਝਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਲੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਤਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਪਲੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧਾਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਨ ਦੀਆ ਪਲੀਤਾ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ ਝਲ ਦੇਖੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੀਤਾ ਬਾਲਿਆ ਉਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝਲਕ ਪਾ ਲਈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਉਤਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।